वो वैसे यूपी के दौरे पर, तीसरा और आखिरी दिन है, बाराबंकी में वो संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। 20 दिन से ज्यादा उसको पुलिस अपने पास रख सकती डिटेंशन में। मैं मुखालिफत किया, क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने तारीफ नहीं की इसकी? बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुमने तारीफ नहीं की? कानून बना तो इसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिश्वरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। 5-5 साल 6-6 साल के बाद जमानत होती है। एक शख्स निकला, 12 साल की जेल के बाद निकला तो अपने गांव गया। गांव गया तो उसने क्या किया मालूम? जब 12 साल की जेल के बाद कोर्ट ने उसको बरी किया इसी कानून में, इस मनुष्य कानून में, तो उसने लोगों, तो पहले बाराबंकी में सभा करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन परमिशन दी गई सिर्फ 3 घंटे के लिए। बढ़ रहे आगे, टोक्यो पैरालंपिक में शानदार कामयाबी के बाद लौटे सभी खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और